विभाग में गोहाना सब डिपो में ड्राइवर के पद पर कार्यरत कुलदीप पांचाल ने इंदौर में आयोजित 7वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल हासिल किया। मेडल विजेता कुलदीप पांचाल के गोहाना पहुंचने पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्हें फूल मालाएं और शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। कुलदीप पांचाल के मेडल जीतने पर गोहाना बस स्टैंड के चालक और परिचालकों में खुशी का माहौल है। वहां मौजूद रोडवेज विभाग के अधिकारी भी कुलदीप पांचाल का सम्मान करते नजर आए। कुलदीप पांचाल ने मेडल जीतने पर खुशी जाहिर करते हुए बताया कि इस प्रतियोगिता में देश के करीब 2500 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और अब उनका चयन दुबई में होने वाली इंटरनेशनल प्रतियोगिता के लिए हो गया है। बता दें कि इससे पहले भी कुलदीप पांचाल 130 से भी ज्यादा मेडल जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर चुके हैं और अपना नाम दिल्ली गिनीज बुक में दर्ज करवा चुके हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वो आगे भी इस तरह अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करते रहेंगे। यहाँ पहुँचने पर मेरे को बहुत बहुत स्वागत करा मेरे भाइयों ने, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आगे भी गोहाना डिपो का ऐसे ही नाम रोशन करता रहूँगा। और मेरा सिलेक्शन अब दुबई में होने वाले इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भी सिलेक्शन हो गया। तो कब से कब हुई थी प्रतियोगिता ये? 16 से 19 तक। कहाँ पर हुई थी ये प्रतियोगिता? इंदौर में हुई थी, मध्य प्रदेश में। कितने खिलाड़ी वहाँ भाग लेते? वहाँ कम से कम 2500 खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो क्या कहना चाहोगे, इससे पहले भी कितने मेडल ला चुके? इससे पहले भी मैं नेशनल और इंटरनेशनल में बहुत मेडल ले आया हूँ, करीब मेरे 130-131 मेडल हो गए हैं। तो इस तरह और मेहनत करते आगे और भी मेहनत करूँगा मैं, अपने गोहाना सब डिपो का ऐसे ही नाम रोशन करता रहूँगा। युवा साथियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? युवा साथियों को मैं भी यही इनसे कहना चाहता हूँ कि आप भी ऐसे ही थोड़ा मेहनत करो और आगे बढ़ो। तो वहीं हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संघ के नेताओं ने कुलदीप पांचाल को बधाई देते हुए कहा कि लगातार 2014 से अब तक मेडलों की झड़ी लगा रखी है। हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारा साथी खेलों में मेडल जीतकर अपना नाम आगे बढ़ा रहा है। हम चाहते हैं कि वो आगे भी इसी तरह का अच्छा प्रदर्शन कर अपना और अपने विभाग का नाम रोशन करते रहे। साथ ही कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार से भी मांग की है कि वो कुलदीप पांचाल के खेलों में अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए उनकी पदोन्नति करे ताकि अन्य खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने का हौसला मिल सके। 2014 से जब से भर्ती होया तब से आज तक मेडलों की झड़ी लगा रखी है और विभाग का नाम रोशन करता आ रहा है। हमारे को साथी के को देख करके बड़ा गर्व महसूस होता है भाई, हमारे बीच में एक ऐसा साथी मौजूद है जो बार बार विभाग का नाम खेलों के रूप में विभाग का नाम रोशन कर रहा है और हम तो आगे भी यही कामना करते हैं कि भाई साथी जोरदार मेहनत करे और आगे और इससे भी बड़े लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, ओलंपिक में और राष्ट्रमंडल खेलों में भी साथी प्रतिनिधित्व करे और वहाँ से भी मेडल लेके आए, हमारी तो यही काम। हम सबसे पहले तो भाई कुलदीप को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर में इसके BFA नेशनल प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण पदक और 1 सिल्वर पदक जीत के लाए हैं। और इससे भी पहले 130 के करीब कुलदीप खिलाड़ी ने मेडल जीते हैं, गोल्ड मेडल। और हम सरकार से बार बार गुजारिश करते हैं कि इस प्लेयर की तरफ देखते हुए इसके पदोन्नति का कोई न कोई रास्ता खोले और इसका यार्ड मास्टर के पोस्ट पर इनका। फिलहाल कुलदीप पांचाल का दुबई में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन हो चुका है। अब देखना होगा कि वो आगे और कौन कौन से नए मुकाम हासिल कर देश और प्रदेश का मान बढ़ाते हैं। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।